सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू गाइज. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन. सो गाइज, दिस इज डे 9 ऑफ आर लद्दाख राइड और अभी मैं हूँ सरचू में और यहाँ का कुछ ऐसा मौसम है और अभी सुबह के खाली 7 बजे एक्चुअली 6:30 बजे और बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा चिल्ड, पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स और क्लाउड पूरे दिख रहे हैं. एक्चुअली अब सीन ऐसा है, हमारी ये राइड की बताऊँ आपको फैक्ट, तो ये फर्स्ट मॉर्निंग है जिसमें हम इतनी जल्दी निकल रहे हैं. यूजुअली हम 8, 9, 10 बजे 10:30, 11 बजे भी निकलें और ये हमारे पहला डे है जिसमें हम साढ़े छः बजे हम निकल रहे हैं सरचू से. उसका रीज़न ये है कि बीच में पड़ता है बारालाचा की कंडीशन अभी कह रहे हैं कि ठीक नहीं है और हमें पता नहीं वहाँ पर कितना टाइम लग सकता है. और साथ में आज हमें जाना है मनाली का भी आपको पता है रोहतांग टू मनाली बहुत ट्रैफिक मिलता है. सो मैं बता दूं हम कहाँ रह रहे, हम यहाँ पर रह रहे थे. ये जो देख रहे हैं आपको सरचू में, ये कैंप्स टाइप में बना होता है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फटाफट. अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट में कर दिया अभी तो इट्स बेटर. सो ये हमारा कैंप था जहाँ हम रहे हैं, टेंट टाइप जो भी कह सकते हो. वो मेरा बेड था, यहाँ एसजे भाई सो रहे थे. तो बस अभी बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट पे है. बस अभी के लिए इतना ही, अब मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट बाइक पे और उसके बाद चलते हैं अपनी एक्सट्रीम राइड स्टार्ट करने के लिए. एसजे की बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही और ये रोज का ही है उसका, एसजे का. वो नीचे ढलान पे गया है बाइक स्टार्ट करने के लिए. तो ये सारा सरचू है, हम वहाँ से आए थे क्या नाम है अपना श्रीनगर साइड से, हमें जाना मनाली की साइड में, इसलिए इधर जा रहा हूँ क्योंकि एसजे इधर ही गया है धक्का मार के, थोड़ी ढलान थी यहाँ तो बाइक स्टार्ट करने के लिए गया था पर कितना नीचे चला गया पूरा. Oh my goodness! Oh my God! Welcome to Ladakh! Welcome to Sarchu! किसने बोला धक्का मारने को यहाँ? किसी ने बोला? ऐसे रिस्क ले रहे, ऑक्सीजन यहाँ लेवल कम है, रुक जाते 2 मिनट. कितने देर से रुका हुआ था? हाँ यार, वो पैसे दे रहा था ना, टाइम लग गया. मैं बाइक पीछे खड़ी करके आता हूँ हल्की सी. हाँ देख रहे हो फूल गई है. और अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 7:45 हो चुके हैं. मैंने आपको 7:45 कहा था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, उसका रीज़न है ये. ये अपनी ड्यूक 250 धक्का मार लिया, सब कर लिया, स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही. मैं फिर भी थोड़ा सा हैबिचुअल हूँ ठंडे एरिया के लेकर. इनकी ऑलमोस्ट जो 2015 में मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था बिल्कुल हालत ख़राब, वैसे भाई साहब के साथ हो चुका है. ये कोई मजाक नहीं है, एक्चुअली मैं लिटरली 3 बार धक्का मार लिया बाइक को नीचे से, यहाँ से नीचे उतारा, फिर ऊपर लेके आए, फिर नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही. एक बार स्टार्ट हो गई थी, भाई साहब ने बंद कर दी नीचे जाके और उसकी वजह से फिर अब इतनी सांस फूल रही है. ऑब्वियसली सरचु जैसे एरिया में वैसे ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है तो कभी भी चलने में ही भारी होता है, तो ऑब्वियसली 4 बार उतरना चढ़ना बाइक को धक्का मारना खुद समझ सकते हो. तो अब एक लास्ट ट्राई करने वाला हूँ, उसके बाद भैया मैं भी वहाँ पर एसजे के साथ बैठ जाऊँगा, मेरे में हिम्मत नहीं है. अब लेके जाएंगे थोड़ी ऊपर क्योंकि अभी यहीं से मार रहे थे धक्का, थोड़ा सा डाउन स्लोप है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, आखिरी ट्राई मार दूंगा वरना यहीं बिस्तरा मेरा लगेगा. बस मेरा नहीं इनका, मैं तो भैया आरएस है, अपनी आरएस से निकलेंगे. How are you feeling right now? Your condition? Welcome to Ladakh. साढ़े छः बजे के करते करते अब बज चुके हैं 9:30 और बाइक स्टार्ट हो चुकी है. GoPro यार बहुत दुखी करता है. एनीवेज 3 घंटे में यहाँ लग चुके हैं यार और यार 12 लाचा पे दिक्कत ना आ जाए बाइक को, बस उनकी बाइक को, क्योंकि 12 लाचा बहुत डिफिकल्ट है, 30 किलोमीटर है यहाँ से. इसीलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकल रहे थे कि सुबह सुबह कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बर्फ़ जमी होगी और वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा नहीं होगी तो हम इजीली निकल सकते हैं. आज का दिन थोड़ा सा हो सकता है एडवेंचरस हो, तो आज कोई ड्रोन शॉट देखने को नहीं मिलेंगे आपको. आज सिर्फ बाइक चलेगी और पुरानी यादें ताज़ा करूँगा 2015 की. ओ ये तो बड़ा खतरनाक.
खतरनाक था यार ये तो। चलो जी रियल एडवेंचर शुरू हो जाएगा अब। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा ना रात का, तो मैं यार इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ था ना, इतना एक्साइटेड हुआ था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने कल एंड में वीडियो में ये भी बोला है कि शायद मुझे लद्दाख जाने की इतनी खुशी नहीं मिली, मुझे खारदुंगला करने की इतनी खुशी नहीं मिली जो मुझे यहाँ करने की, ये अपना सरचू आने की खुशी मिली थी। हाँ सच बताऊँ बोला नहीं जा रहा मुझसे ज़्यादा, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है क्योंकि 2015 में मैं यहीं तक आ पाया था, इसके आगे नहीं जा पाया था। मैं मनाली के रूट से आया था और मैं इसके आगे नहीं जा पाया था, मेरे फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी। सो बहुत छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है और ये पत्थर डिफिकल्ट। हाँ निकल गए। एकदम कड़क बर्फ है, ऐसा नहीं कि हाथ मारोगे तो टूट जाएगी, एकदम जमी हुई बर्फ है ये। ये ऊपर एक नया पुल बन रहा है, ये खतरनाक सा पुल है। रोड कंडीशन तो यार यहाँ इतनी अच्छी नहीं है और आगे जाते जाते और भी खराब होती जाएगी। ये पतली स्नो है, मतलब अगर इसको उठाना चाहूँ तो उठा सकता हूँ, किसी को पेलना चाहूँ इस बर्फ से तो पेल सकता हूँ उठा के। नीचे जो बर्फ देखी थी ना वो बहुत हार्ड थी, मतलब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको उठाना आसान है। ये पिघली पिघली होती है ना, वैसी बर्फ है ये, और यही बर्फ जल्दी पिघलती है और पूरा रोड पे पानी पानी कर देती है। छोटी सी रोड, उसमें कार को भी जाना है, ट्रक को भी जाना है। एक मिनट, जिप्पर मार दिया था मैंने कि मुझे जाने दो। डीजल मार देगा मेरे को भी पॉल्यूशन। देख रहा हूँ कितनी छोटी सी जगह में दो दो गाड़ियों को निकलना पड़ता है, या तो उधर से एक कार निकल सकते या तो इधर से निकलेगी, ये भी देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। नीचे नदी बह रही होगी बहुत तेज ज़रूर, हाँ है ना, बर्फ है तो ऑब्वियसली नीचे नदी तो बहेगी दो पहाड़ों के बीच में। कार वाले अंकल जाने दो प्लीज, जाने दो। अरे ये तो मैं देखा ही नहीं, और जब देखा तो याद आया यार आपको तो दिखाया ही नहीं, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखो ये लेक सी है कोई, और बिल्कुल पानी जमा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप देखो तो। और ये सोचो जब विंटर्स होती होंगी ना तो ये पूरा का पूरा प्लेन होता होगा, पूरा का पूरा प्लेन होता होगा। वाटर क्रॉसिंग साइड से निकालेंगे। चलो। शिट मेरे पैर गए, मर गया। हाँ बच गया, पैर नहीं रखे नीचे। नहीं गहरा नहीं है। हाँ रख दिया पैर, रख दिया। शिट नहीं रखा, आपका भाई बच गया। अरे रे
नहीं है यहाँ गहरा नहीं है। कितना स्पीड से जा रहा नीचे, और देखना नीचे जाके जम रहा है, नीचे जाके जम रहा है पूरी लेक। हाँ, वो देखो नीचे जा रहा है इतनी स्पीड से, फिर भी नीचे जाके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं निकल रहा है, बट फिर भी जम रहा है। कितना ठंडा पानी होगा यार, खुद इमेजिन कर लो इस समय। ये भी ना बात, फाइनली वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस करते हुए मुझे एसजे के पीछे चलना पड़ रहा है दो रीजन से। एक तो उसकी बाइक बंद हो गई तो मुझे पता नहीं लगेगा, और दूसरा मैं देख सकता हूँ कि वाटर क्रॉसिंग में कहीं गड्ढा तो नहीं है, ताकि मैं पैर नीचे ना रखूं। ऑफ रोडिंग का शहंशाह हमारा सरचू, मनाली टू सरचू। चल जा रुकी ना भाई मेरे, रुकी ना। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। चल जा, चल चल रे चल मेरी राम प्यारी, चल चल रे चल मेरी राम प्यारी, जोड़ी बनाई ऊपर वाले ने हमारी। एक्चुअली गाने गाने से ना थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए आपका भाई गा रहा है गाना। रोड की तरफ फुल ऑन ध्यान है, नो वरीज। ये हुई ना बात, ये मिला ना कुछ हमें मजेदार एडवेंचर। चल जा चल चो, बड़े पत्थर आ गए, फंस गया, पानी में पैर रख दिया। अटक गई, चल धन्ना चल, चल जा। हाँ ये देखो जूते में पैर गया, मर गया। हाँ मेरा पैर पत्थर आ गया। वेट वेट वेट, शाबाश, चल जा जानमान, चल जा। साइड साइड से लेना, बीच में से नहीं, साइड से लेना, साइड से, बीच में से मत लेना। हाँ मेरे पैर जम गए भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। हाँ भाई साहब, पैर के लिए हो गए, ओ भाई साहब उतारने पड़ेंगे सॉक्स, मुझे लग रहा है, नहीं तो लेनी तो नहीं हो जाएगी, बहुत सॉलिड। सॉक्स उतारो, यहाँ पर पड़ जाओ अपना आराम से। या एक और काम करते हैं, आगे कहीं रुकेंगे यार, जहाँ मैं अपने सॉक्स चेंज करूँगा। सॉक्स चेंज करके भी क्या करूंगा यार, पानी पूरा अंदर गया यार पैरों में, डैम, पानी पूरा अंदर गया यार, डैम। ये पूरे मेरे वाटरप्रूफ बूट थे यार, पानी के अंदर भी मैं पूरा खड़ा हो जाता ना, तब भी इनको कुछ नहीं होता। शिट यार,
इसी टाइम पे ही होना था। तो यार जो भी बोलो, बहुत मजा आया उस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने में, बहुत मजा आया नो डाउट। वो पता है थोड़ा एडवेंचर ले आता है ऐसे ट्रिप में, जो आप करने आते हो ना वो एडवेंचर हो जाता है आपके लिए, और यही लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती हैं। अब कोई भी मेरी, कोई भी अगर मेरी प्रीवियस कोई भी राइड रही हो, और अगर प्लेन रोड्स हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो यार इतना याद नहीं रहता क्या था क्या नहीं था। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये पता लाइफ टाइम की मेमोरी बन जाती है कि यार ये किया था हमने। तो ट्रक आ रहे हैं, हमें उन्हें जाने देना चाहिए पहले। और ये ट्रकों का सिलसिला तो खत्म होता दिख नहीं रहा, सिर्फ निकल ही जाते हैं साथ में और क्या। ये अभी तक का सबसे लेट मनाली ले हाईवे खुल रहा है, क्योंकि इतनी लेट खुलता नहीं है, ये खुल जाता आपका मई में और मिड मई में खुल जाता, मिड मई या फिर एंड मई में, इससे लेट नहीं खुलता। और इस बार जून एंड आ गया, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, यही सीन चल रहा है, क्योंकि हर जगह स्नोफॉल हो रही है यार। और स्नोफॉल होने के बाद फिर रास्ता ब्लॉक हो जाता है, फिर वो स्नो हटाई जाती है और ट्रैफिक भी आ जाता है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ओ देख चढ़ जा रे पंछी। काफी हेल्प मिल जाती है दूसरे को बाइकर से। अब वो पानी में आया स्पेशल यार धक्का मारने के लिए मेरे को, और मुझे पता कितना चिल्ड पानी था वो, हालत खराब हो जाती है पानी में पैर रखने में। वो बंदा स्पेशल आया पीछे से, उसने बाइक्स को पुश किया तब जाके बाइक निकली। अरे चलो चलो। और ये जो है ना, ये भी स्लिपरी होता है, इस पे भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है वो, क्योंकि बीच का एरिया अगर स्लिपरी हुआ तो लेफ्ट में, या तो लेफ्ट में गिरोगे या तो राइट में। देखो ये रहा, अगर बीच में ना रखी बाइक तो वो देखो पूरा स्नो कवर्ड, पूरा माउंटेन भरा पड़ा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आपका ये क्या लिखा है, बारह लाचा यहाँ से 4 किलोमीटर और दूर है मनाली 199। 12 लाचा पे तो यार मुझे लग रहा और भी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप मज़ा आए, खूब इंजॉय करें। वैसे तो मैंने थोड़ी सी प्रोटेक्शन करी है, ऐसा नहीं है, मैंने अपने बूट्स के अंदर फक वो बीच में बड़ा पत्थर था, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था। एनीवेज मैंने अपनी थोड़ी सी प्रोटेक्शन की हुई है उसमें, और पॉलिथीन अपने पैरों में पहन ली है, बट फिर भी पैर एकदम जम चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। क्या रिकॉर्ड करूँगा क्या रिकॉर्ड ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा वेदर, कहाँ ऐसे बार बार मौका मिलता है यार, वंस इन अ ईयर। और बार बार तो आओगे नहीं हर साल इसी जगह पे, और भी बहुत जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और भी बहुत जगह देखने के लिए। हाँ, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी। ट्रक कटक गया क्या, लग तो रहा नहीं, निकल गया। यहाँ यही प्रॉब्लम हो जाता है, दोनों अगर एक साइड से आ जाए ना, एक उस साइड से एक उस साइड से, तो ट्रैफिक जाम होने के भयंकर चांसेस होते हैं। इस वजह से ये रोड बार बार ब्लॉक हो जाता है, एक तो ट्रैफिक भी जाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लैंडस्लाइड भी अगर हो जाए, बर्फबारी पड़ जाए यहाँ पर, स्नोफॉल हो जाए, तो और भी ज़्यादा दिक्कत। तो अब बच चुके हैं 11:30 तो गए होंगे, हमें 1.5 घंटा तो कम से कम हो गया होगा, 1.5-2 घंटे, 9:30 बजे हम वहाँ चले थे, लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके होंगे यार हमें। अब ये देखो ना,
ये आपको खाली मिल सकता है लद्दाख में, है ना। वाटर क्रॉसिंग्स भी हो, बर्फ भी हो, स्नोफॉल भी पड़ रही हो, ठंड भी हो, मौसम भी एकदम से बदल जाए, कभी एकदम धूप निकल जाए। देखो इधर है ना सूरज की रोशनी, उधर धूप निकल रही है और उधर एकदम छांव सी है। यार पीछे चलना बड़ा गंदा लगता है, पूरा का पूरा वाइट, पूरा का पूरा वाइट, और खाली रोड जा रही है बीच में से, खाली खाली रोड जा रही है खाली, जिसमें आपको पहाड़ों में से बाइक लेके जा रही है। यार कितना अच्छा लगता है यार, आई डोंट नो यार, आप लोग कैसा, आप लोगों को कैसा लगता होगा यार कि क्या ये क्या हो रहा है, इतना ये क्या कर गया। लेकिन यार ये फीलिंग ना बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं, जो ये हो रहा है अभी जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे। कार पे भी मजा है नो डाउट, लेकिन बाइक का जो अलग फील है ना यार, वो एक अलग ही फील है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। कई लोग कार से ज्यादा, कार कई लोगों को कार पे बहुत पसंद आता होगा कि कार पे ही करते हैं, लेकिन नहीं यार, बाइक का अलग फील है, मोटरसाइकिलिंग अलग फील है। कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं पहाड़ों के बीच में से, बर्फ ही बर्फ चारों ओर। और ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये आपको रोड दिख रही है ना, ये कुछ भी नहीं होती, ये सारी बर्फ से भरी होती है। तो ये सारी रोड क्लीन की जाती है, ये सारे बहुत मेहनत का काम होता है यार। चलो 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 चलो, बुलावा आया है, मनाली ने बुलाया है। रोड की कंडीशन आगे खराब है। अरे रुक जा, कहाँ हॉर्न मार रहा है, बड़ा पागल है ड्राइवर तो, इस जहाँ उड़ा दूं क्या बाइक में, हद होती है यार। बंदा कंसंट्रेट कैसे करे, रोड पे करे या इसकी हॉर्न पे कंसंट्रेट करे, मतलब करूं तो करूं क्या, इस रोड पे हॉर्न मारने का कोई तुक्की नहीं समझ आया। हाँ इधर से ही निकालना ठीक है, उधर तो छोटे कंकड़ है ना, बाइक स्लिप कर देते हैं। निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए, मजा आ गया। जो मुझे एक्चुअली चाहिए था ना, वो इस रोड पे मुझे मिल रहा है। मैं श्रीनगर वाली हाईवे पे, मुझे पता है वहां कुछ नहीं होता यार, वहां तो मक्खन रोड एकदम ऐसे बना दिए हैं जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में हो, बस चलाते जाओ, क्रूज करते जाओ, मक्खन रोड करने को। तो पता है वहां से आप ना जम्मू से भी लद्दाख कर सकते हो, जम्मू से ज्यादा नहीं, श्रीनगर से आप लद्दाख कर सकते हो बहुत इजीली, अगर आप सुबह उठो और बस चलते जाओ तो। सुबह 5-6 बजे निकलोगे तो आराम से रात को लद्दाख पहुंच जाओगे, मैं गारंटी करता हूँ इस बात को लेकर। लेकिन अगर आप लद्दाख से निकल रहे हो और अगर आप मनाली साइड जा रहे हो तो भाई नहीं होगा, मतलब ही नहीं बैठता, आपकी लौंग तक पहुंच जाओ वही बहुत है। ये देख लो यार, ऊपर तो देख लिया, नीचे तो दिखाया नहीं है देखो। अब ये ट्रक ट्रक आ गए आगे एंड मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया इन्होंने। ये देखो मैं ये कह रहा हूँ, मोटोटेक गियर का पहना हुआ इन्होंने, इसमें क्या होता है वाटरप्रूफ हो जाते हैं बूट्स, अब इसमें पानी नहीं जाता अंदर, ज़्यादा महंगे नहीं आते यार, 600-800 रुपए के आते होंगे मैक्सिमम, इतने के आते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, अगर आपके वाटरप्रूफ बूट्स नहीं है तो ये एक आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको 7-8 हज़ार रुपये एक बूट्स के ऊपर खर्च करने हैं वाटरप्रूफ, तो इस टाइप के कुछ आप वाटरप्रूफ ले सकते हो। मैंने अपने पैर में पॉलिथीन पहन लिया है, अरे रे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा क्योंकि इसे पता ही नहीं लगता। तो यही एक रोड है जो मैंने देखी है पूरी मनाली ले हाईवे, सो ले मनाली हाईवे इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और एक्साइट करता है मुझे। और सच बता रहा हूँ, मेरा 1% भी मन नहीं था लद्दाख, मैंने पहले भी बताया आपको, शायद पिछले व्लॉग में बताया, मैं लद्दाख नहीं कर रहा था इस साल, मैं कुछ और करता, एक्सट्रीम करता, इनफैक्ट लद्दाख से भी थोड़ा एक्सट्रीम करता इस इन महीनों में। और एकदम से मेरा प्लान इसके लिए लद्दाख का बन गया, क्योंकि लद्दाख का मुझे पता लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, और श्रीनगर की साइड पे भी, द्रास की साइड पे भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, और मनाली हाईवे भी बंद कर रखा है, इसका मतलब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और रोड कंडीशन भी इतनी प्यारी नहीं होंगी। सो यही चीज़ मुझे एक्साइट कर गई कि यार यही तो मैं सोच रहा था मुझे एक्सट्रीम करना है जब, तो
ये लोग हम पहुंच गए बारालाचा पास। तो दिस इज बारालाचा पास, फाइनली वी आर एट बारालाचा पास। फोटो वोटो खिंचाने का भी इतना वक्त नहीं है, मतलब वक्त क्या, कहाँ बाइक रोकोगे और क्या, बारालाचा पास की। तो मैं वही बता रहा था, यही एक रीजन था कि मेरा यहाँ पर प्लान बना, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम करना था और फाइनली मेरा एक्सट्रीम हो गया।